नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, माई ऑल रेस्पेक्टेड डियर फ्रेंड्स, माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ, आपका दोस्त, नमस्ते। मेडिटेशन के फायदे ये हैं कि जो हमारी परमात्मा और परमात्मा का रिप्रेजेंट, आत्मा और आत्मा का रिप्रेजेंट दिल है, दिल हर एक का एक सा होता है। मन जो है हर एक का अलग अलग होता है कि दिल का भी किसी का गलत काम मनसा वाचा कर्म से कोई ना गलत सोचो ना गलत बोलो ना गलत करो, एक मैकेनिकल पंप है। वो जरा ही झूठ बोलते ही पल्पिटेशन बढ़ जाती है, आरपीएम बढ़ जाती है या गर्म हो जाता है। वो प्रभु का रिप्रेजेंटेटिव है। मन भी अपनी जॉब प्रोफाइल रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी का परफेक्टली परफॉर्म करता है। उसका जॉब प्रोफाइल रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दिन में 50-60 थॉट्स, ऑप्शन, सजेशंस, एडवाइस आपको करनी। अब इन दो के बीच में दिल को पता है कि मन, पहली वीडियो में बताया मैंने कि सॉफ्टवेयर जो मन को के अलाइंड होने के क्या क्या फायदे हैं। आप रिसर्चर, फिलोसफर, विजनरी आते हैं, सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। तो इसका प्रोसेस यह है कि सबसे पहले बिगिनर्स को अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, टॉयलेट वगैरह जाके, क्योंकि उस टाइम आपका मन ऑब्वियसली बहुत शांत होता है सारी रात की नींद के, तो इसलिए परफेक्टली करने में कमांड आएगी। क्लाइमेटिकली कंट्रोल होना चाहिए आपका, डार्कनेस होने चाहिए स्टार्टर के लिए। आगे चल के तो फिर आपको दिन की सनलाइट में भी एंड मतलब है आंख खोल के भी करेंगे। तीसरे नंबर पे साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण, ताजी हवा होनी चाहिए, ताजी हवा होनी चाहिए। तो मैंने चार चीजें बताई, क्लाइमेटिक कंट्रोल, साउंड पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए मतलब है, और कंफर्टेबली पोज में आप बैठ के, जिस भी कंफर्टेबल पोज में बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल पोज में बैठ के 90 डिग्री का आपका होना चाहिए, नी में टांग और जांग के बीच में 90 डिग्री, और ना ही उनको कन्फ्लिक्ट करना है, ना ही उनको कन्फ्लिक्ट करना है। तो थॉट्स का आना ही ध्यान है, और मन जब थॉट्स जीरो हो जाएंगी, मन आप के काबू में आ जाएगा। फिर एक दिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे ये होगा कि पास्ट प्रेजेंट की सारी मतलब है प्रैक्टिस करते करते आप विजनरी हो जाएंगे, रिसर्चर, फिलोसफर हो जाएंगे। आने वाले 5 साल में, आने वाले 50 साल में, आने वाले 500 साल में क्या होगा, दैट यू विल गेन, दैट यू मस्ट, यू कैन, यू नो दैट। तो प्रैक्टिस में एक पर्सन परफेक्ट, जिसको मन को जिसने जीता, जग को जीता। मन से सांस को वाच करना है, मन से सांस को वाच करना है, दिस इज द। उसके बाद तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो चारों तरफ कितना भी साउंड हो रहा हो, साउंड बज रहा हो, 3-3 शादियां हो रही हो, और दिन के उजाले में भी और कैसी भी क्लाइमेटिकली सिचुएशन में भी आप जो है, और आंख खोल कर भी मेडिटेशन, मन को सांस पे लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। कितना भी थॉट्स मतलब विचलित हो रहा हो, डिसअपॉइंटिंग, डिप्रेशन।